नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। बक्सवा हीरा खदान से जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट की दूसरी कड़ी में हमने आपको बताया कि किस तरह से छतरपुर के तत्कालीन डीएफओ संजीव झा ने स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट बदल दी। अब संजीव झा की रिपोर्ट के बाद सरकार की तरफ से खनन की मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की शुरुआत हुई, और इस तीसरी कड़ी में आप देखिए कि किस तरह से इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए छतरपुर से लेकर भोपाल तक फाइलों को पंख लग गए। दिसंबर 2019 को बिड़ला समूह ने बक्सवा की हीरा खदान की लीज हासिल कर ली। लीज तो मिल गई, लेकिन खनन की इजाजत तभी मिलेगी जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देगा। बिड़ला समूह को खनन की इजाजत मिलती है तो शर्त के मुताबिक कंपनी सरकार को रॉयल्टी के रूप में 22,852 करोड़ रुपए देगी। सरकार के लिए पैसा अहम था, इसीलिए बिड़ला समूह को खनन की इजाजत देने वाले प्रस्ताव की फाइल को बुलेट ट्रेन की रफ्तार के माफिक दौड़ाया गया। 28 दिसंबर 2020 को छतरपुर डीएफओ ने टेक्निकल रिपोर्ट सीसीएफ को भेजी। 2 जनवरी 2021 यानी सिर्फ 5 दिन बाद ही सीसीएफ ने जॉइंट स्पॉट निरीक्षण कर खनन की अनुमति देने की अनुशंसा वन मुख्यालय को भेज दी। 6 जनवरी 2021 ठीक 4 दिन बाद एपीसीसीएफ ने बिड़ला ग्रुप को खनन की अनुमति देने की अनुशंसा वन विभाग के सचिव से कर दी। 4 फरवरी 2021 वन विभाग के सचिव ने प्रस्ताव को बनाकर केंद्र सरकार को खनन की अनुमति की अनुशंसा के साथ भेज दिया। लेकिन जो प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया वो आधा अधूरा था। अधिकारियों ने जल्दबाजी में कई दस्तावेज प्रस्ताव के साथ नहीं भेजे। जब प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहुंचा तो केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जाहिर की। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। राज्य सरकार वन विभाग का महकमा जो एपीसीसीएफ हैं वो केंद्र को जवाब देते हैं, उसमें कहते हैं कि एक बाबू की गलती से हो गया, लिपि की त्रुटि हो गई। मतलब जो 60,000 करोड़ का टेंडर है, हीरा खदान की बात चल रही है, एक बाबू की गलती से कैसे केंद्र सरकार का गलत तरीके प्रस्ताव जा सकता है। तो कुल मिला के इतनी हड़बड़ी में है राज्य सरकार किसी भी तरह से बक्सवा के खदान को देने के लिए। इसके बाद 3 मार्च को नए सिरे से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इस प्रस्ताव में भी केंद्र सरकार ने गड़बड़ियां पकड़ी है। अप्रैल के महीने में ही केंद्र सरकार की तरफ से एक और पत्र वन विभाग को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि डीएफओ के निरीक्षण की तरफ से बहुत सारी कमियां देखी गई है। डीएफओ ने 5 लेवल पर जो गलतियां की हैं उसमें ना तो ये बताया प्रोजेक्ट के लिए जो 382 हेक्टर जमीन ली गई है उसमें 64 हेक्टर समथिंग कुछ जमीन ऐसी है जिसके लिए अलग अलग प्रयोग बताए, जिसमें रोड भी है, सड़क भी है, रोड है, साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। उसके लिए डीएफओ ने स्पेशल रूप से प्रस्ताव बना के भेजा ही नहीं, वरना स्पेसिफाई किया कि किस तरह से इनका उपयोग होगा। इस पूरी प्रक्रिया से इतना तो साफ है कि प्रस्ताव को तैयार करने के लिए राज्य सरकार में बैठे अधिकारियों ने कई स्तर पर कई सारी गड़बड़ियां की है और उसे केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया। आपने कभी जनता से जुड़े मुद्दों की फाइलों को कभी मंत्रालय में इस तरह से दौड़ते हुए देखा है? ये फाइलें तो मंत्रालय के किसी कोने में धूल खाती हुई नजर आती है। चूंकि ये हीरा खदान से जुड़ा हुआ मामला था, इसीलिए फाइल इतनी तेजी से दौड़ी। बहरहाल, राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय विचार कर रहा है, लेकिन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो अगली कड़ी में आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से बुंदेलखंड में पानी के लिए मचेगा हाहाकार। नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।